आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ प्राचीन ग्रंथों में बताए दानवों के बारे में बताऊंगा। इन डरावने दानवों की कहानियाँ किसी को भी डरा सकती हैं और ये कोई कोरी कल्पना हो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि लोग समय समय पर इन्हें देखने की बातें करते आए हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। सिरीन। सिरीन ग्रीक माइथोलॉजी का दानव है, जो असल में ये खूबसूरत जलपरी की तरह दिखती है, जो कि समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों को अपनी सुरीली आवाज से मोहित कर उन्हें मार देती थी। ग्रीक माइथोलॉजी की किताबों में लिखा है कि सिरीन समुद्री देवता की बेटी है, जो दिखने में एक सामान्य औरत की तरह लगती है लेकिन परों के साथ। कहा जाता है कि सिरीन जब गाती है तो उसे सुनने वाला सब कुछ भूलकर उसके बस में हो जाता है, जिससे बचने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर सिरीन का गाना आपने सुना और आप नहीं मरे तो वो सिरीन मर जाएगी। इस तरह की बातें ग्रीक लेखों में लिखी हैं, वो जो भी हो, पर इनकी खूबसूरती पर मैं एक पूरा का पूरा वीडियो बना सकता हूँ। कापा। कापा जापान के माइथोलॉजी से निकला दानव है, जो बच्चों को नदी के अंदर खींच लेता था, क्योंकि ये पानी में रहा करते थे। कापा दिखने में काफ़ी अजीब सा लगता था, जिसकी लंबी सी चोंच, पतला सा शरीर और सर पर खड्डा होता था, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। माना जाता है कि इनके सर के खड्डे में से पानी अगर गिर गया तो इनकी सारी शक्तियां ख़त्म हो जाएंगी। इसकी ऊंचाई करीबन 5 फीट की बताई जाती है। कापा के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत खूंखार दानव होते हैं, जो अधिकतर बच्चों और बूढ़ों पर हमला करते थे। अगर लोगों की बातों पर विश्वास करें तो आज भी जापान के दूर दराज के गाँव में कापा को देखने की बातें लोग करते हैं। यहाँ तक कि जापान के एक म्यूजियम में 2 अवशेषों को कापा के अवशेष बताए जा रहे हैं। अब ये बात कितनी सच्ची है इसके बारे में तो नहीं पता है। हाँ, इसकी बातें रोमांच से भरी हैं। घुल। घुल अरेबियन पुस्तकों का दानव है। इस्लामिक पुस्तकों के हिसाब से घुल एक जिन है, जो अपने साथ बीमारियाँ और बुरा साया लाता है। घुल किसी का भी रूप और कोई भी आकार ले सकता है, ऐसा किताबों में लिखा है। पुरानी कहानियों के हिसाब से घुल लोगों को आकर्षक रूप से अपने पीछे लाता है और सुनसान जगह देखकर उन्हें मार देता है। कई लेखों के हिसाब से ये कब्रिस्तान में रहता है और मरे हुए लोगों को खाता है। घुल का किरदार अब काफ़ी मशहूर हो चुका है, जिस वजह से इसे कई फिल्मों में भी आप देख सकते हो, जैसे कि अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज़ घुल नाम से आई है, जिसमें राधिका आप्टे एक मुख्य भूमिका में है। ब्लैक डॉग। ब्लैक डॉग के बारे में इंग्लैंड के प्राचीन ग्रंथों में पढ़ सकते हो, जिनके हिसाब से ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा काले रंग का कुत्ता होता है, जिसकी आँखें गहरे लाल रंग की होती हैं। ब्लैक डॉग के बारे में कई लेखों में अलग अलग बातें लिखी हैं, जैसे कि ये एक खूंखार जानवर है, जो भटके हुए लोगों को अपना शिकार बनाता है। और दूसरी बात ये कि जो लोग और ख़ासकर बच्चियां अपना रास्ता भूल जाती हैं, उन्हें ब्लैक डॉग रास्ता दिखाता है। कुछ ग्रंथों में इनके बारे में जानकारियां बताई हैं कि ये आत्माएँ होती हैं, जो अच्छी और बुरी हो सकती हैं, क्योंकि ये खजाने के रक्षक भी हो सकते हैं और ये खजाने को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। वेंडिगो। वेंडिगो के बारे में अमेरिकी कहानियों में पढ़ा जा सकता है। वेंडिगो के बारे में कोई अधिक जानकारियां तो नहीं हैं, लेकिन इनके बारे में कई ऐसी बातें कही जाती हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वेंडिगो के बारे में लेखों में लिखा है कि इसका शरीर इंसानों जैसा होता है, लेकिन ये किसी जानवर की तरह दिखता है, जो इंसानों को मार कर खाता है। इसका दुबला पतला शरीर
बड़े बड़े नाखून, शरीर की त्वचा को फाड़कर निकलती हड्डियां, जिसे देख पाना मुश्किल है। कई दशकों पुरानी कहानियों में इनके बारे में लिखा है। अब आज के समय में भी लोग वेंडिगो को देखने की बातें कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।